भर के हालात वाकयात पर मबनी प्रोग्राम अगले 25 मिनट में जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ रहिए। सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इस पे आप हमारे साथ बराह रास्त जुड़ सकते हैं। आपकी आरा का हमें बेसब्री के साथ इंतजार रहेगा। टेलीविजन ऑडियंस भी हमारे साथ 25 मिनट तक जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में जुड़े रहें। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का 23 और 25 अक्टूबर को दौरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 23 और 25 अक्टूबर के बीच मरकजी वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। 70 वुजरा के जम्मू कश्मीर दौरे के हाशिए में अमित शाह ने फीडबैक हासिल करने के बाद आज खुद कश्मीर और जम्मू के दूरदराज इलाकों का रुख कर सकते हैं। माहरीन की माने तो लॉ एंड ऑर्डर का भी जायजा लेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के खात्मे के बाद अमित शाह का पार्लियामेंट से दिया हुआ वादा जम्मू कश्मीर की सरजमीन से बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा था मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। मुनासिब वक्त का उन्होंने वक्त नहीं तय किया था। उन्होंने कहा था जिस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात सिक्योरिटी के एतबार से बेहतर होंगे, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले के फसील से जम्मू कश्मीर के लिए असेंबली इंतखाबात डिलिमिटेशन कमीशन के फौरन बाद कराने का भी इंदिया दिया था। जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर दाखिला के दौरे को बड़ी अहमियत इसलिए हासिल है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच चारों अतराफ से गुजश्ता कई महीनों से लगातार गोलियों और घनघर्ज के बीच में ही माहौल गुजर गया। इसी बीच में मरकजी वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर में पुलिस चीफ, आर्मी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी के विंग्स के चीफ के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल पे भी बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला का जम्मू कश्मीर दौरा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने अभी से तैयारियों का आगाज किया, क्योंकि पहले ही प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर 70 वुजरा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वादा किया, दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आउटरीच प्रोग्राम के तहत अवामी राबता मुहिम के तहत इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा रही है। पर नाज़रीन, मरकजी वजीर दाखिला के इस दौरे के हाशिए में ही एक बड़ी खबर तश्कील होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ 35 से 370 के खात्मे के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस रिशेप हुआ और बेशतर लीडर का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुई, अपनी पार्टी ने 23 मार्च से ही अपना मोर्चा खोला और जम्मू कश्मीर के 35 से 370 के फार्मूले को 35 और 370 के फार्मूले को लगातार उन्हें पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट तक ही, उन्होंने कहा कि ये दो बड़े अहम इंस्टीट्यूशन इसके बारे में पेशरफ या बड़ी आगाही दे सकते हैं। इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है, देवेंद्र सिंह राणा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतहाई पुरएतमाद लीडर उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच में ब्रिज का काम करते रहे और उनके नजदीक होने का मतलब है अब देवेंद्र सिंह राणा ने भी अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोलिटिकल इनिंग का खात्मा कर दिया। हालांकि वो कई मौकों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुशीर भी रहे कई मामलात पर, लेकिन सलाहकार रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला के जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी हुकूमत साजी कर रही थी। उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा जम्मू के नगरोटा हल्का इंतखाब से इलेक्शन जीत गए और उसके बाद 35 से 370 के खात्मे के बाद जितेंद्र सिंह के भाई हैं देवेंद्र राणा और इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू के मसाइल अलग हैं। यही वजह है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो आई थी उसमें देवेंद्र राणा सिंह ने अपना मेमोरेंडम अलग से पेश किया था। डॉक्टर अब्दुल्ला से हमने पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड है क्या, उन्होंने हमारे सवाल को हल्के से लिया, जम्मू का आपका लीडर जो है वो अलग से मेमोरेंडम देता है। सीनियर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू के अपने मसाइल हैं, लिहाजा कश्मीर के अपने मसाइल हैं, तो बैनर और मेमोरेंडम जो था वो अलग अलग पेश किया गया था। इसी बीच में अब बड़ी खबर डेवलप हो रही है, जराए के हवाले से खबर है कि इस नए जो ग्रुप तश्कील देने की कोशिश की जा रही है इसकी कमान हो सकता है, इसके कप्तान जो है साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं। जराए के हवाले से बड़ी खबर है, देवेंद्र सिंह राणा और दीगर साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदा होने के बाद इस ग्रुप के नए कप्तान जो हैं वो गुलाम नबी आजाद भी हो सकते हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद या कांग्रेस जराए ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की है। हकीम मोहम्मद यासीन से लेकर अब्दुल मजीद वानी, जीएम सरूरी से लेकर शब्बीर अहमद खान और कांग्रेस के कश्मीर खीमे से एक तरफ चौधरी ताजबजिन, हाजी अब्दुल रशीद, पीरजादा मोहम्मद सईद, एक ग्रुप है जो गुलाम नबी आजाद को एक कायद और कप्तान के रोल में देखना चाहते हैं।
और नाज़रीन कांग्रेस पार्टी ने आज बड़ी देर के बाद अपना एहतजाज दर्ज किया। इससे कबल एहतजाजी मुजाहरों में कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर एहतजाज करते रही, लेकिन आज श्रीनगर ऑफिस में आज गुलाम अहमद मीर, हाजी अब्दुल रशीद, गुलजार अहमद और दीगर सीनियर लीडरान की क्यादत में जोरदार एहतजाज किया गया, जिसमें याद दिलाई गई कि उत्तर प्रदेश में जो FIR दर्ज कर दी गई है और इस FIR में जो कांग्रेस की सबसे कदावर लीडर है और प्रियंका पर और उस पर यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की, उन्हें हिरासत में लिया, वो पेशकदमी की कोशिश कर रही थी। जो किसानों की मौत वाकया हुई है उसमें कांग्रेस उनका दुख सुख बटाने की कोशिश के लिए उनकी तरफ जाने लगे थे। जराए के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने इस एहतजाजी मार्च को आज श्रीनगर से बहुत दूर तक लेने की कोशिश की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन ये तस्वीरें जो है कांग्रेस दफ्तर के अंदर की है। कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बाद में जरा ब्लॉक से बातचीत करते हुए कांग्रेस यूटी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर ने इस एहतजाज के हवाले से अपनी बात इस तरह से रखी। अपने यूं तो पूरे देश में अराजकता का माहौल है और देश को जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति मोदी सरकार और RSS चला रही है उसकी ताजा मिसाल आपने दो दिन पहले लखीमपुर खीरी में देखी, जिसमें करीब 8 हमारे किसान मारे गए, शहीद हुए और वो पूरे देश ने देखा। आज पूरे देश में किसानों के हक में और प्रियंका गांधी के रिलीज में जब तक उसको योगी आदित्यनाथ बंद रखेगा तब तक पूरे देश में कांग्रेस वर्कर सड़कों पर रहेंगे और हम ये आवाज बुलंद करेंगे, किसानों को इंसाफ दो और कातिलों को सजा दो और प्रियंका गांधी को रिहा करो। ये हमारे 3 मुद्दे इस वक्त के हमारे इस प्रोटेस्ट। मोदी और योगी के सामने डेमोक्रेसी कोई चीज नहीं है। जब वो वजूद ही है उनका नथुराम गोडसे का, तो नथुराम गोडसे तो बजाय खुद ही अराजकता का प्रूफ है। वो तो एक क्रिमिनल होने का ऑलरेडी सबूत दे चुका, वही इनका फोर फादर है। इसलिए पावर के नशे में अब ये पूरे देश को तहस नहस करना चाहते हैं। जो बना बनाया एक सिस्टम है इस देश में, भाईचारा है, उसको ये नष्ट करने में लगे हैं और आज देश इकट्ठा खड़ा हो जाए और आने वाले दिनों में इस अराजकता को खत्म करें, इस डिक्टेटरशिप को खत्म करें और एक जमहूरी माहौल देश में वापस। नाज़रीन ये तस्वीरें कांग्रेस भवन वाकया श्रीनगर के अंदर की है। बाहर का एहतजाज जरा तस्वीरें चलाइएगा। जब गुलाम अहमद मीर इस एहतजाजी मार्च की क्यादत करने के लिए बाहर आए, एहतजाज में सिर्फ एक मुद्दा था प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद जो मामला चले हैं। गुलाम अहमद मीर का मानना है कि एहतजाज मुल्क भर में चलते रहेंगे और इसी बीच में कांग्रेस के यूटी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। कांग्रेस लीडरों ने अपना एहतजाज जारी रखा। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी के नए उभरते चेहरे गुलाम अहमद मीर के करीबी साथी राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के सदर पीरजादा मोहम्मद शफी ने आखिरी दम तक अपना एहतजाज जारी रखा। जमीन पर गिरकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील की कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप किस तरह से मुल्क को ले रहे हैं। जमीन पर लेटकर उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि एहतजाज के वक्त उन्हें जदकोप किया गया और उन्हें अपनी नाक से खून तक बहने लगा। पीरजादा मोहम्मद शफी ने एहतजाज करते हुए आज के इस एहतजाज के हवाले से अपनी बात कुछ इस तरह से सामने रखी। किस बात पर मुझे मारा है? आज मैं कभी नहीं पीछे हूँ, जवाब नहीं दे रहा। नेक्स्ट, नाज़रीन जम्मू कश्मीर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कानून में तरामीम लाई है। इसी बीच में MS और MD की डिग्री हासिल करने के लिए अब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का मुकाबला जम्मू कश्मीर की 500 सीटों में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते थे आपस में मुकाबला होता था, अब ये मुकाबला कुल हिंद मुकाबला होगा और मुल्क के नामवर मेडिकल कॉलेजों से और तुलबा जो है वो इसमें शामिल होंगे, जिस पर आज तुलबा ने जोरदार एहतजाज किया। स्टेथो और एप्रन पहनकर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की अपनी किताबचा साथ लेकर आज प्रेस कॉलोनी का रुख किया, जस्टिस और इंसाफ की मांग की। एहतजाजियों ने कहा यह फैसला किस तरह से है, जम्मू कश्मीर में आपको मौसम का भी ख्याल रखना है, यहाँ की
तालीमी काबिलियत और तालीमी माहौल को भी देखना होगा और ये मुकाबला आरआई कुल हिंद लेवल पर आप ले जा रहे हैं। इससे जम्मू कश्मीर में मेडिकल और इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है उसे मुतासिर होने का खदशा है। तस्वीरें आपके पास हैं, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ये वो मेडिकल कॉलेज की छात्रा है जो आज एहतजाज करते नजर आई। एहतजाजी मार्च की क्यादत करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने अपनी बात कुछ इस तरह से सामने रखी। कोटा में सारा कुछ जाता है तो उसके हिसाब से जो हमारा स्किम्स का है वो 100% कोटा जा रहा है। दैट मीन्स कि स्किम्स में जो क्लिनिकल सीट्स है वो 128 है और नॉन क्लिनिकल सीट्स को छोड़ जो इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे 50% ऑल इंडिया कोटा जो इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे इट्स ए टोटली अनजस्ट डिसीजन। जो ये यूनिलैटरल डिसीजन है विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन जो यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी या जो स्टूडेंट्स के एस्पिरेशन है उनके खिलाफ हो रहा है ये सब। अब आपको इस बात से पता चलेगा कि जो बिग स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है एंड ऑल दो स्टेट्स दे आर ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा इवन दे हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द यूजी कोटा टू। सो इन दिस रिगार्ड वी आर रिक्वेस्टिंग द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टू काइंडली कंसिडर आवर डिमांड्स जो हम डिमांड्स आगे रख रहे हैं उनको दैट एवरी ईयर अराउंड अबाउट 2000 टू 2500 स्टूडेंट्स जो है दे कम्पीट फॉर वेरियस पीजी क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड सिकिम्स, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बट द थिंग इज दैट जो एज ऑल ऑफ यू नो दैट सिकिम्स सोरा इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी सो 100% ऑफ द कोटा विल गो फ्रॉम सिकिम्स और जेएमसी श्रीनगर और जेएमसी जम्मू का जो मसला है उनमें 50% सीट जो हमारी वो जाएंगे। सो हमारी डिमांड्स ये हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा जो है 50% रिजर्वेशन कोटा वो जेएनके पे अप्लाई ना हो क्योंकि इससे जो दैट आर फ्यूचर्स विल बी इन जियोपार्टी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जो रैश है जो अपियर हो जाएंगे और जितनी सीट्स है वो है 70 और 80 सीट्स लेफ्ट क्लिनिकल सीट्स की अगर हम बात करेंगे सो इट्स टोटल अनजस्टिस विद अस। सो इस हिसाब से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वी रिक्वेस्ट देम टू काइंडली कंसिडर दिस, टेक एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग बडिंग डॉक्टर्स ऑफ टुमारो दे शुड एटलीस्ट टेक देम इनटू कंसिडरेशन, उसी हिसाब से वो इसको अप्रोच करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है जेएनके की या सेल्फ केयर। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान न्यूज एडिटर तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाजरीन अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं, सियासत के बारे में भी हमने बात की, कोरोना की बात की, मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर जो इस वक्त बड़ा रोश तुलबा में है उस पर हमने बातचीत की। लेकिन जरा समाजी मामला पे आते हैं क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में हम समाजी मामला पे भी बातचीत करते हैं। नाजरीन एक रिश्ता दूसरे रिश्तों के साथ जोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्कत करना पड़ती है, खुसूसन जब शादियों की बात आती है तो रिश्तों को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ देखकर आगे बढ़ा जा सकता है। जरहामा कुपवाड़ा की एक खातून ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख किया। 80 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद अपने बच्चे का फोटोग्राफ हाथ में लेके उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उनका बच्चा अपनी पसंद से शादी करना चाहता था, शहर में नहीं बल्कि अपने ही जुरहामा इलाके में यानी कुपवाड़ा में। उसके बाद जो लड़की है उसके भाई ने उसे टेलीफोन करके बताया कि जिस वक्त अगर आपकी शादी होती भी है तो आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर आपकी शादी जो है उनकी बहन से होने नहीं दूंगा। उसके बाद मामला रफा दफा हुआ, बुजुर्गों ने फैसला किया, कुछ लोग बीच में आए, कुछ लोग रफू चक्कर हुए और एक डील तय पाई कि 1 लाख रुपया जो लड़के वाले हैं वो तैयार रखें लवाजमात पूर करने के लिए, लेकिन निकाह खानी जो होगी वो मस्जिद से होगी। और ये तकाजा, ये असरार और ये लहजा सख्त लफ्जों का ये लड़की वालों की तरफ से शरायत तय की गई थी। उसके बाद 1 लाख रुपया जमा किया गया और मस्जिद में से निकाह और बारात का प्रोग्राम था, लेकिन इसी बीच में जो हाथ में कागजात लेके ये माँ है जिसके बच्चे का कत्ल हुआ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उसके बाद ये डील फेल हुई और कुछ दिन पहले लड़की के भाई ने उन्हें फोन करके मुतल्ला किया कि शादी नहीं हो सकती, अगर हो भी गई तब भी आपको नहीं जिंदा छोड़ूंगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी कुपवाड़ा और मुतल्का चौकी अफसर से मुदाखलत की अपील की है ताकि ये मामला जो है जो इल्जामात है इस फैसले के हवाले से कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इन खवातीन को सुनते हैं कि वो इस वाक्य के बारे में अपनी रुदात किस तरह से बयान करने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पहुंचे। लड़का अकूर अमस खर कह पी मर्जी पे खर पोर मे रोप लश तो तैयार तो इन दस ठीक मे कह रोप लश तैयार कपड़े अन मे सोरे कह मे तो इमो दुमा दह ईजे तो मुर्शिदीन पे खजन ये मगर इस दिमो न गर ऐसे रिश्ते कह मुर्शिदीन पे अन जो मे दीक ठीक कौर मोल मो अति मज व्रे दह ब्रो कर हारन दिख लड़क धमकी
ہوتن خبر لڑکس ہوتا امس لڑکی ہوتا نمبر مالس ہوتا نمبر تو کورن امس لڑکس فون مل زی دہ کڑے بہ اگر خاندر کرک تہ پہ مارک ثب تہ پہ روزک یا دنیا پہ ہاوت ثب کہین بی دہس وت اصل پا صبح چائے چی ام لڑکن اصل پا بیوٹ دپن مین پلو چلو بہ گا صبح کم شٹرنگ کم اس گا شٹرنگ کم اس کر امس چل پلو اصل پا بیوٹ گھر یت وس دکانس پہ تت پی سال بت تم وون دس ٹھن مین بیش بوئے مانا تس کی ٹھن کڑھ تو ول ث سون یہ نیوک ٹھکرت بیک دہ صبح وت ام سن لاش ڈون کلس الح پولیسن درج کرم ایف آئی آر اے کت کہین کورمت کورمت مگر کہین انصاف ملے زرہامہ کپواڑہ شمالی کشمیر کی ایک خاتون ایک ماں نے سری نگر کی پریس کالونی کا رخ کیا اور جموں کشمیر پولیس پر ابھی اعتماد ہے اور گرفتاری نہیں ہوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی انہیں الزام عائد کیا کہ ان کے بیٹے کا رشتہ تقریباً طے ہونے لگے تھا لیکن آخری لمحات میں ایسی انہونی ہوئی جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. ناظرین اب کپواڑہ کی اس خبر کے بعد اب ٹنگڈار کا رخ کرتے ہیں. ٹنگڈار میں آج مقامی لوگوں نے گلستان نیوز نیٹورک کو بتایا کہ اس سال فصل یا کراپ جو ہوئی اخروٹ اور گری کی بہت بہتر رہی لیکن اس کے باوجود بھی اس کو منڈی تک پہنچانے کے بعد اس کی قیمتیں ابھی تک بہتر نہیں ہے. بیتے سال میں آپ کو یاد ہوگا چائنا اور اس کے بعد افغانستان سے بھی اس طرح کا جو ڈرائی فروٹ وغیرہ تھا وہ انڈیا پہنچ سکتا تھا لیکن اب چونکہ نامساعد حالات کے بیچوں بیچ میں اب سارا کشمیر کا جو ڈرائی فروٹ اخروٹ وغیرہ یا گری اس کو مارکیٹ تک لاتے لاتے اب یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ اب اس کے دام اس کے ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت کم ہے. اسی بیچ میں مقامی لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے. ہمارے یہاں ٹنگڈار کے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ جو ہیں 50% پلس لوگ جو اخروٹ اور گیری کے کاروبار سے وابستہ ہیں جو اپنا روزگار انہی چیزوں سے سالانہ نکالتے ہیں لیکن ہمیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے پچھلے 3 سال سے ان لوگوں کو جو گیری کا یا اخروٹ کا جو ریٹ تھی وہ ریٹ بہت ہی کم مل رہی ہے 300 350 جبکہ اس سے پہلے 1200 1300 تک ملتی تھی لیکن ان لوگوں کو آج کی ریٹ میں آج کی اگر بات کریں ہم تو 350 400 سے اوپر کوئی بھی خریداری کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ لوگ بڑے مایوس اور بے سہارا سے ہو گئے ہیں. لہذا ہماری اور ناظرین اسی بیچ میں بڑی خبر آ رہی ہے جموں کشمیر بینک کے چیئرمین آر کے چبر کو 6 مہینے کا ایکسٹینشن دوبارہ دیا گیا. اس سے قبل بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے فیصلے کے بعد آر کے چبر کو جموں کشمیر بینک میں بحیثیت چیئرمین 6 مہینے کا ایکسٹینشن دیا تھا. ابھی تازہ اطلاعات کے مطابق بریکنگ خبر آپ تک ہے جموں کشمیر بینک کے چیئرمین آر کے چبر کو مزید 6 مہینے کا ایکسٹینشن دیا جا چکا ہے. ناظرین سوچھ بھارت ابھیان کے تحت کئی پروگرام جموں کشمیر میں بھی ہاتھ میں لیے گئے. تازہ تصویریں آپ کو میونسپل کمیٹی کے احاطے میٹاڈور اسٹینڈ کے نزدیک پٹن کی دکھاتے ہیں جہاں پر مقامی لوگوں نے زبردست تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پروگرام مرکز کی طرف سے یہاں پر شروع کیے گئے اس سے عملہ نہ تو میونسپل کمیٹی میونسپل کاؤنسلوں کا کام تھا. جس وقت شہر میں آپ کو میونسپل کارپوریشن کا میئر ہوا کرتا ہے اسی طرح میونسپل کمیٹی ڈسٹرکٹس یا ٹاؤنز میں قصبوں میں وہاں پر میونسپل کمیٹی کے لیے صدر مقرر کیے جاتے ہیں چیئرمین بنائے جاتے ہیں لیکن تازہ تصویریں جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں. ان تصویروں کے حوالے یہ میونسپل کمیٹی پٹن کی کارکردگی اور میٹاڈور اسٹینڈ کے نزدیک میں کوڑا کچرا کافی ٹائم سے پڑا ہے. مسئلہ ہوا ہے ہمارا ایک کلیکشن پوائنٹ ٹیمپرری کلیکشن پوائنٹ اڈے کے ساتھ میں وہاں سے ہم سویرے سویپرز ہمارے ٹریڈی ملا کے وہاں ڈمپ کرتے ہیں اور 10 بجے تک ہم وہاں سے اٹھاتے ہیں. آج ایک بندہ سمیر نام آیا وہاں سے اس نے ہمارے سویپروں کو اور باقی اسٹاف کو بھی گالیاں دیے اور ان کو روکا ہے وہاں ڈالنے کے لیے نہ جانے کس وجہ سے. ناظرین جموں کشمیر میں مرکز نے الیکشن کمیشن نے انتخابات ڈی ڈی سیز کے لیے بی ڈی سیز کے لیے اس کے بعد پنچوں سرپنچوں کے بعد سی ٹائر سسٹم کو مزید تقویت بخشنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے بھی انتخابات عمل میں لائے گئے لیکن معاملات ابھی سدھر نہیں رہے. آج سری نگر کے راج باغ علاقے میں چند منتخب نمائندوں نے جن میں خواتین مرد شامل تھے احتجاج کیا کہ انہیں اکوموڈیشن اور محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کے حوالے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت جموں کشمیر یوٹی سرکار ان کی حفاظت کو
संजीदा तरीके से नहीं ले रही है। मैं बख्शाहिंग कॉर्पोरेटर राजबाग से बोल रही हूँ। ये मेरे साथ है पांच सरपंच, बीडीसी डीडीसी के सारे चेयरमैन बैठे हैं, यहाँ पे कुछ मेंबर भी बैठे हैं। ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, होटल डिहायर किए हैं, हमको यहाँ निकाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सोचना था, पहले इनको एडजस्ट करना था कहीं पे। इवन कि डीसी ने ऑर्डर निकाला है कि मैं इनको डिस्ट्रिक्टों में एडजस्ट करूंगा, लेकिन ये लोग उसके लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्टों में जाते थे, वहां से हमें वापस लाके यहां पे रखते थे कि वहां पे थ्रेट है। अगर लगता है इनको वहां थ्रेट है तो हम कैसे जाएंगे वहां पे। हमारे लिए इंसाफ की बात की जाए और हम यहां होटल पे नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, अगर इन्होंने जबरदस्ती निकाला था ये लोग। नाज़रीन, बीच में एक और ब्रेकिंग खबर आई रही है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स के तबादले अमल में लाए गए हैं, तीन डीआईजी के तबादले अमल में लाए गए। सुजीत कुमार होंगे अब सेंट्रल कश्मीर के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। सुजीत कुमार नॉर्थ कश्मीर से उन्हें ट्रांसफर किया गया। नॉर्थ कश्मीर में हालिया दिनों आपने उनको फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ, बाकी समाजी तबकों के साथ उठते बैठते पाया एक हुक्मनामे के तहत। अभी अभी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नॉर्थ कश्मीर, अब सेंट्रल कश्मीर तैनात कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक का सफर यही मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी दोबारा कल शाम 6 बजे, लेकिन जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क के हालात वाकात पर खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर जारी रहेगा। अल्लाह हम्दो नासिर। हुंदुलमान ब्रोक में मौजूद हैं। यहाँ पे आज 17,000 फीट फाउंडेशन की जानिब से स्कूल में बहुत सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में प्रोवाइड किया है, खासकर डीजी लैब की बात करें, प्लेग्राउंड की बात करें और साथ ही साथ फर्नीचर्स की बात करें। स्कूल को फुली तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डेवलप करने की कोशिश किया है 17,000 फीट फाउंडेशन की जानिब से। फिलहाल हम आपको सबसे पहले यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस इस प्रोग्राम के दौरान दिखाया है, वो हम आपके नजर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस हम सीधे आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ रंगारंग तकरीब आपके नजर करेंगे, बने रहिए। Jesus, 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 Jes
सुन।